जय हिंद। तो गाइस यहाँ पे बहुत से युवाओं के कमेंट आ रहे थे कि आपने ग्वालियर एआरओ की भर्ती के ऊपर वीडियो नहीं बनाई है, तो हम ग्वालियर एआरओ की वीडियो के ऊपर नोटिफिकेशन के ऊपर वीडियो लेके आ चुके हैं गाइस, तो वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो स्किप ना करें ताकि आपके सही समझ में आ पाएगा। अगर वीडियो आप बीच में से छोड़ के जाते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा क्या इसमें नया अपडेट हुआ है जो अग्निवीर की भर्ती हुई हो रही है उसके अंदर। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाएंगे आपको, और इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों में एक यहाँ पे चेंजेस दिख रहा होगा, जैसे कि आठवीं यहाँ पे ले लेते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आठवीं से आईटीआई तक के यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे लगने वाले हैं और आईटीआई को स्पेशली यहाँ पे नंबर यानी कि मिलने वाले हैं। तो सभी A to Z इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग कभी नए आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपके पास जो हम वीडियो बनाए आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। ओपन कर लिया है तो यहाँ पे आप लोग क्या देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश यहाँ पे दिख रहा होगा ग्वालियर एआरओ की तरफ से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है और कितनी तारीख में यहाँ पर रैली होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे 16 अक्टूबर से यहाँ पे रैली स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले यानी कि रजिस्ट्रेशन और फॉर्म कहाँ कब से स्टार्ट होने वाले हैं तो उसकी वीडियो बहुत जल्दी मिलने वाली है आपको। रजिस्ट्रेशन और पूरा स्टेप बाई स्टेप हम फॉर्म एक अच्छी तरीके से भर के बताएंगे। और यहाँ पे देखिए 5 अगस्त से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पर 3 सितंबर तक चलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे बात करेंगे कि इसमें चेंजेस क्या हुआ है और किन यानी कि कैंडिडेट यहाँ पे पुरुष के लिए यहाँ पे वैकेंसी दी गई है दोस्तों, और यहाँ पे मध्य प्रदेश के यहाँ पे 12 से 13 जिले यहाँ पे लिए जाएंगे दोस्तों। और ये भर्ती कहाँ पे होगी, जो 2017 में गाइस 2017 में जो सागर में हुई थी वही वैकेंसी यानी कि वही ग्राउंड में यहाँ पे यह भर्ती होने वाली है गाइस। और गाइस यहाँ पे यानी कि मैंने आपको ये बता दिया सारी चीज़ मतलब बताने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। तो गाइस जैसे कि नीचे की साइड ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके चलते हैं, जिसमें सैलरी पे की बात करें दोस्तों, तो सैलरी पे भी अच्छा खासा यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा, और नहीं पता है तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए। चारों सैलरी पे यहाँ पे 4 पैक में दिए गए, तो 4 सैलरी पे यहाँ पे दिए गए हैं। तो गाइस यहाँ पे नीचे की साइड और लेके चलते हैं, जैसे कि इसमें आपको क्या रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था GD के लिए यहाँ पे 17.5 से यहाँ पे आपको यहाँ पे 23 साल रहने वाली है गाइस। यहाँ पे 1 अक्टूबर 1998 से 2005, और हाइट की बात करें 1.67 सेंटीमीटर, यहाँ पे 50 kg वजन मांगा गया है, 67 और 77 प्लस 5 सेंटीमीटर सीना फुला के मांगा गया है। अब गाइस यहाँ पे बहुत से कैंडिडेटों को यहाँ पे मतलब कंफ्यूज हो रहा होगा कि GD का फॉर्म भरने के लिए सभी के पास यानी कि 45% प्लस होना चाहिए गाइस, ठीक है, 45% प्लस होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे प्रत्येक सब्जेक्ट में यानी कि 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पे, और उनों में यानी कि कितने कितने नंबर होने चाहिए, सभी में 33-33 नंबर यानी कि 33-33 नंबर होना चाहिए गाइस। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे अब आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जनरल ड्यूटी हो चुकी है, अब यहाँ पे जनरल किलर की बात करेंगे गाइस। तो यहाँ पे टेक्निकल की बात करते हैं पहले, इसमें टेक्निकल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। टेक्निकल के लिए एज सेम है, उम्र सेम है, और गाइस यहाँ पे हाइट थोड़ा चेंजेस की गई, 1.67 यहाँ पे हाइट है, वजन भी सेम है, और सीना में 1 सेंटीमीटर का छूट दी गई है दोस्तों। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपको क्या रहने वाला है, यहाँ पे आपके पास अगर 12वीं में आपके पास साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश मिनिमम यानी कि आपको यहाँ पे 50% रहने वाली है गाइस। तो यहाँ पे यानी कि 50 से प्लस% होगी, तो आप यहाँ पे अपना फॉर्म डाल दीजिए। और ईच सब्जेक्ट यानी कि 4 से 5 सब्जेक्ट होते हैं 12वीं क्लास में, तो गाइस यहाँ पे 5 सब्जेक्ट में आपके कितने कितने 40-40 नंबर आने चाहिए, ठीक है। इसकी वीडियो मैं स्पेशली बनाऊंगा गाइस, 1-2 दिन में मुझे टाइम मिलते ही आपके पास एक वीडियो जल्दी चैनल पर अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, ऐसे ही मैं आपको वैसे मैं समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों स्टोर कीपर मतलब आपको क्लर्क की बात करें दोस्तों, तो क्लर्क में यहाँ पे हाइट में चेंजेस हुआ है, और गाइस किसी में चेंजेस नहीं हुआ है। आपके पास यहाँ पर रहने वाला है साइंस विथ मैथ और आर्ट यहाँ पे, और बुक्स अकाउंट बुक्स वाले भी यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद यहाँ पे गाइस एक बात आपको यहाँ पे बताना भूल गया हमें, यहाँ पे ITI यानी कि टेक्निकल वालों के लिए ITI का यहाँ पे स्कोर दिया गया, ITI कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों नीचे बात करेंगे ट्रेडमैन, यहाँ पे ट्रेडमैन की वैकेंसी भी अच्छी खासी दी गई है, हाइट GD की सेम है, क्वालिफिकेशन GD की सेम है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 8वीं पास यानी कि बहुत से कैंडिडेट जो 8वीं पास से फॉर्म डालना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत सारा लकी चांस है,
तो यहाँ पे जैसे कि 8वीं पास से ट्रेडमैन की वैकेंसी दी गई दोस्तों, एज लिमिट सेम है दोस्तों, उम्र भी सॉरी एज और उम्र एक ही है बात है, और हाइट यहाँ पे सेम है गाइस, वजन भी सेम है, और यहाँ पे आपको चेस्ट भी सेम देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर बहुत से कैंडिडेटों के यानी कि डाउट आ रहे होंगे कि डाउट इसमें ये आ रहा होगा कि 8वीं पास सभी के पास होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे 8वीं पास वही कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म डाल पाएंगे जो बोर्ड यानी कि बोर्ड से 8वीं बोर्ड से मतलब पास किया होगा उसी के यहाँ पर फॉर्म डालने वाले हैं। अब गाइस यहाँ पर आपको क्या बताने वाले हैं, स्पोर्ट्स से यानी कि NCC वालों को छूट मिलेगी दोस्तों आपको एग्ज़ाम में, और स्पोर्ट वगैरह को कोई छूट नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको रनिंग की बात करें यानी कि फिजिकल टेस्ट की बात करें क्या रहने वाला है, तो गाइस यहाँ पर आपको सभी को पता होगा, इसकी स्पेशली हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे जो उसमें ग्राउंड तरीके से सब कुछ बताएंगे कि 1600 मीटर का कैसे फिजिकल क्लियर करना है गाइस, ठीक है, तो वो भी हम उसकी स्पेशली एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वीडियो लोग ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं देखना चाहते क्योंकि जितना शॉर्ट मिले उतने में आदमी समझ सकते हैं। तो हम आपको इस वीडियो से मतलब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें आएँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, वही पुराना सेम है, और डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं, डॉक्यूमेंट की वीडियो एक हम अलग से बनाएंगे गाइस। और जैसे कि यहाँ पर आपको क्या रहने वाला है, आपको यहाँ पर ये नंबर दिए गए हैं आपके पास जो एक्स सर्विस मैन बू सर्विस मैन यानी कि जो NCC वगैरह के लिए यहाँ पर नंबर दिए जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे क्या रहने वाला है, आपको आपको एक वीडियो अलग से मिलेगी, उसकी आई बटन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी दोस्तों। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।